हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा पीनू शूटर फोटोग्राफी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मेरा जो वीडियोस है इंग्लिश वीडियोस के साथ साथ मैंने हिंदी में भी आप लोगों के लिए वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा, तो ये मेरा दूसरा कोशिश है। पहले जो मैंने इंग्लिश वीडियो दिया था केवलादेव नेशनल पार्क के ऊपर, उनमें जानकारी है कि कैसे आप केवलादेव नेशनल पार्क में भरतपुर में जा सकते हैं और कहां पर रह सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बता दिया है। इसी वीडियो में मैंने खास करके कुछ फोटोग्राफी टिप्स देना चाहता हूं और कुछ जो मेरा बर्ड फोटोज़ है उसको शेयर करूंगा आपके साथ। और आप देख के अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने जो केवलादेव नेशनल पार्क गया था लास्ट मंथ, दैट इज़ फेब्रुअरी महीने में गया था। खास करके वो विंटर मंथ्स में ही वहाँ पर जाना अच्छा होता है, क्योंकि विंटर मंथ्स में जो माइग्रेटरी बर्ड्स होता है वो आते रहते हैं, और ऐसे तो वहाँ पर कुछ नेटिव बर्ड्स रहता है जो साल भर में आपको मिलेंगे, लेकिन विंटर में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आता है रंग बिरंगी, उसके लिए आपको खास में दिसंबर से लेके फेब्रुअरी महीने में ही जाना अच्छा रहेगा। मैंने सुना था कि फेब्रुअरी महीने में थोड़ा सा फक जो होता है, कोहरा जो होता है वो कम होता है, इसलिए मैंने फेब्रुअरी महीने में गया था। और थोड़ा सा जो टूरिस्ट का जो क्राउड होता है, भीड़ जो होता है, वो फेब्रुअरी महीने में थोड़ा कम रहता है, और दिसंबर जो जनवरी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही टूरिस्ट रहता है, इसके वजह से फोटोग्राफी करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर आप फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप फरवरी महीने में आइए वहाँ पर केओलादेओ नेशनल पार्क में। और अगर एज ए टूरिस्ट आप जाते हैं बाहर खाली केवल देखने के लिए जाते हैं, तो दिसंबर और जनवरी महीना ठीक रहेगा आपके लिए। मुझे बहुत ही अच्छा वेदर मिला था, सनलाइट बहुत ही अच्छा मिला था मुझे, तो इसीलिए कुछ खास परेशानी नहीं हुआ वहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए। वहाँ पर जो पहुँचा, टिकट बनाया, वहाँ पर हमारे साथ मेरा जो दोस्त डॉक्टर सुदीप नाथ थे, उनको कैमरा लेके वहाँ पर उनके साथ एक नया फूजी फिल्म कैमरा था, उसको भी थोड़ा हम लोग टेस्टिंग किया। इसके बारे में हम ज़रूर वीडियो कुछ प्रेजेंट करेंगे फ्यूचर में, तो ये प्लान है मेरा। उनके साथ बातचीत भी हुआ, वो उनका जो वीडियोज़ है वो भी शेयर करते रहेंगे हमारे साथ इसी चैनल में। मेरे पास जो कैमरा था, खास करके मेरा जो पुराना जो कैमरा है निकॉन D7200, वही था, और उसके साथ मेरा जो ट्रस्टेड जो लेंस निकॉन का 200-500 जो बहुत ही बढ़िया लेंस है वो मेरे साथ था, वो लेके गए थे हम लोग। तो हम लोग पहले रिक्शा में गए थे, थोड़ा देर बाद हम लोगों को उतरना पड़ा रिक्शा से, बीच बीच में हम लोग उतर के फोटोग्राफी कर रहे थे। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, लेकिन मेरा जो गाइड था उनके पास ट्राइपॉड था। मैं ट्राइपॉड में फ़ोटोग्राफी करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ले जाना बहुत ही झंझट की बात है। आप लोगों को भी ऐसा ही महसूस होगा कि ट्राइपॉड अच्छा नहीं है, लेकिन खास में ट्राइपॉड बहुत ही काम में आता है। ज़्यादातर ट्राइपॉड में अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो उसका क्वालिटी भी अच्छा हो जाता है। तो मेरा जो सेटिंग्स के बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करूँगा। वहाँ पर लाइट अच्छा था, इसीलिए मैंने जो साटा स्पीक को बहुत ही बढ़ा के रखा था। जो एकदम मॉर्निंग में जब धूप इतना नहीं था, तब मैंने साटा स्पीक को 1/640 जैसे रखा था। बाद में जितना जितना धूप बढ़ता रहा, मैंने साटा स्पीक को बढ़ा दिया, करीब 1/1500 से लेके 1/2000 तक मैंने रखा था। खास करके आपको अगर बर्ड फोटोग्राफी में फ्लाइट खींचना होता है
तो आपको सारा स्पीड बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। और मैं खास करके फोटोग्राफी के लिए मैनुअल जो मोड है कैमरा का वो इस्तेमाल करता हूँ। आप एपर्चर प्रायोरिटी भी यूज़ कर सकते हैं, इवन शटर प्रायोरिटी में भी फ़ोटो खींच सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप अगर मैनुअल आपको बहुत ही हार्ड लगता है तो आप एपर्चर प्रायोरिटी में खींच सकते हैं। इसमें आपको फोटोग्राफी में जो डेप्थ ऑफ फील्ड जो होता है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। मैंने जो एपर्चर मैनुअल मोड में रखा था मैक्सिमम 6.7 ही रखा था, क्योंकि यहाँ पर जो पंछियाँ मिलते हैं बहुत ही नज़दीक चले आते हैं, उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड और ज़्यादा कम हो जाता है। इसमें जो नेटिव जो मैक्सिमम एपर्चर होता है लेंस का 200-500 का, वो 5.6 है। तो 5.6 जो एपर्चर है उसमें अगर खींचेंगे तो हो सकता है कि बर्ड का ओनली जो विंग्स और हो सकता है कि उसका सारी केबल आपको फोकस में रह गया और बाकी सब ब्लर हो गया। तो इसी कारण मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड बनाने के लिए 6.7 रखा था। ऐसे अगर पंछी दूर में होता है तो आप 5.6 में भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा स्पीड तो बता दिया मेरा जो ISO था ये ऑटोमेट सेट था। मैं ISO ऑटो में ही रखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हमको उस बारे में सोचना नहीं पड़ता है ज़्यादा कि ISO चेंज करना होता है, क्योंकि कभी कभी आपको छाँव में कभी धूप में फ़ोटो खींचना होता है तो ISO भी चेंज करना होता है अकॉर्डिंगली। लेकिन ऑटो ISO के वजह से आपको ये चेंज नहीं करना होता है। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना होता है मैं फ्यूचर जो वीडियोस आएगा उसमें बताने वाला हूँ। और इसी तरह हम लोग फ़ोटो खींचते रहे, उसमें जो मेन रोड है वो मेन रोड के आसपास में ही आपको ज़्यादातर बर्ड मिलता रहेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों तरफ आपको बर्ड मिलता ही रहेगा, पंछी मिलता रहेगा, पेड़ के ऊपर नीचे ज़मीन में मिलता रहेगा, पानी में मिलता रहेगा। और अगर आप पैदल जाना पसंद करते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, रिक्शा के बगैर आप पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ पर अंदर में एक पैदल चलने वाला रोड भी है जिसमें जाके हम लोगों को बहुत सारा पंछियाँ मिला, स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो मिला था। और आप बोटिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पर एक बोटिंग फैसिलिटी है, वहाँ पर जो सेकेंड चेक पोस्ट है जहाँ पर वो शांति कुटीर बोल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एकोमोडेशन है रहने का जो प्रबंध है, वहाँ पर वही जगह से आपको बोटिंग करने का भी सुविधा मिल जाएगा। ऐसे टिकट कर सकते हैं आप, टिकट करके बोटिंग कर सकते हैं। तो बोटिंग का टिकट आपको अलग लेना पड़ता है, एंट्री का जो टिकट है पार्क में वो अलग लेना पड़ता है, और गाइड का रिक्शा का चार्ज अलग होता है। मैंने डिटेल्स में बता दिया, जो इंग्लिश वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें बताया कैसे आपको केओलादेओ नेशनल पार्क जाना होता है और कहाँ पर रह सकते हैं आप और कैसे किस तरह आपको अंदर में जाना है, ये मैंने डिटेल्स में वही वीडियोज़ में शेयर किया। तो ये रहा मेरा फ़ोटो खींचने का सेटिंग्स। वीडियो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियोस जो खींचा था वो निकॉन B700 से खींचा था, कुछ वीडियोस मैंने मेरा आईफोन से खींचा। फ़ोटो खींचना होता है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। कुछ बार्स जो होता है वो भागते रहता है, फिर चला आता है, पास में ही चला आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ज़रूरी है। और जो है आप कोशिश कीजिए इसी तरह बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करने का। और ये जो नेचुरल जो ब्यूटी है बर्ड्स का जो है उसका जो कंजर्वेशन उसमें हेल्प कीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो, उसके साथ साथ मेरा जो फोटोज़ है वो भी आता रहेगा, आप उसमें देखते रहिए। उसमें जो एग्जिट डेटा है वो भी एम्बेडेड है। और फ्यूचर में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप कमेंट लिख के मुझे बता सकते हैं। सवाल है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कुछ उत्तर देने के लिए, मैं कोशिश करूँगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह आपका जो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं नया जो वीडियो है पोस्ट करता रहूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। Thank you.
মুখটা দেখুন, জম করে তোলার পরে দেখুন।